हेलो एस्पिरेंट, आप सभी का स्वागत है आर्म फोर्स ज्ञान में, जिसमें हम आज डिस्कस करेंगे ओपैक के बारे में, ठीक है, जो कि आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट है, और अगर आप किसी भी जैसे एसएसबी में जाते हैं तो वहाँ पे भी आपके लिए इम्पोर्टेंट रहता है। ओके, इसमें जो टॉपिक्स कवर होंगे वो आपके लिए इस सीक्वेंस में रहेंगे, जहाँ पर आपके लिए एक्रोनिम्स के बारे में डिस्कस किया जाएगा, इसका जनरल ओवरव्यू के बारे में डिस्कस करेंगे, ऑब्जेक्टिव, सेक्रेटरी, पार्टिसिपेंट्स और सेमिनार, और लास्ट वन रहेगा हमारे जो इम्पोर्टेंट सबमिट्स रहते हैं उसके बारे में डिस्कस। तो चलिए डिस्कशन को स्टार्ट कर लेते हैं। तो जो इसमें आपका एक्रोनेम रहता है वो आपका दोस्तों ओपैक देखने को मिलेगा। ओके, ओपैक की बात करें तो यहाँ पे आपके लिए ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, ठीक है, तो ये आपके लिए इसकी फुल फॉर्म हो जाती है ओपैक की, जो कि और एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि पेट्रोल को एक्सपोर्ट करती है वेरियस कंट्रीज़ में। ओके, अगर हम इसके जनरल ओवरव्यूज़ की बात करें तो ये एक ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज होती हैं जो ओपेक में पार्टिसिपेट करती हैं वो कंट्री, ठीक है, और ये आपके लिए एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन मिलेगी जो कि एक परमानेंट ऑर्गेनाइजेशन है। अगर हम इसके हेड क्वार्टर की बात करें तो हेड क्वार्टर जो आपका जो इनिशियल स्टेज थी वो आपको जनेवा स्विट्जरलैंड में देखने को मिलेगा, ठीक है, जो कि आपके लिए 5 ईयर तक फर्स्ट जिसका हेड क्वार्टर था वो आपका जनेवा में था। उसके बाद इसका जो हेडक्वार्टर वो शिफ्ट कर दिया गया वियना ऑस्ट्रिया में। ओके, जैसा कि यहाँ पे मेंशन कर दिया है मैंने, वियना में हेडक्वार्टर शिफ्ट किया गया था वो आपका 1 सितंबर 1965 में शिफ्ट किया गया। ओपेक की जो फाउंडिंग मेंबर्स की बात करें तो उसमें आपके लिए 5 मेंबर्स फाउंडिंग मेंबर में आपको देखने को मिलेंगे। ओके, जो इसकी फर्स्ट कॉन्फ्रेंस हुई थी वो आपको बगदाद में देखने को मिलेगी, जहाँ पे ये एक ओवरव्यू रखा गया था कि एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट करनी चाहिए जो कि आपके जो ऑयल के प्राइस रहते हैं उसमें बैरी करने के लिए, या फिर कब हमको प्राइस को इम्प्रूव करना है या फिर कब डिक्रीज़ करना है अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट। ओके, तो वो मीटिंग जो हुई थी, फॉर्मल मीटिंग हुई थी एक 1960 में। और फाउंडिंग मेम्बर्स की बात करें, जो 5 फाउंडिंग मेम्बर्स थे वो आपके मिडिल ईस्ट और एक साउथ अमेरिकन कंट्रीज़ है, ठीक है, जिसमें आपके अगर हम मिडिल ईस्ट की बात करें तो ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी अरेबिया, ये आपके लिए 4 कंट्रीज़ हैं वो आपको मिडिल ईस्ट और वेस्टर्न एशिया में देखने को मिलेगी। अगर हम वेनेजुएला की बात करें तो वो आपको साउथ अमेरिका में देखने को मिलेगी, जो कि 5 फाउंडिंग कंट्रीज़ हैं। अगर हम इसमें करेंटली बात करें, करेंटली इसमें कितनी कंट्रीज़ पार्टिसिपेट कर रही हैं, तो इसमें आपके लिए 10 कंट्रीज़ पार्टिसिपेशन करती हुई दिखेंगी, ठीक है, और रिसेंटली इक्वाडोर ने इसमें से बाहर निकलने के लिए अपना प्रस्ताव दे दिया है, जो कि ओपेक की ऑर्गेनाइजेशन है उसमें ऑलरेडी बताना पड़ता है। जैसे अगर हम कहीं से रिज़ाइन करते हैं तो आपको 1 मंथ प्रायर नोटिस देना पड़ता है कि आप कंपनी से रिज़ाइन कर रहे हैं, ठीक है, तो वैसे ही इसमें आपके लिए जो ओपेक है एक ऑर्गेनाइजेशन है उसमें भी आपको कुछ टाइम पीरियड पहले आपको एक नोटिस देना पड़ता है कि हम इससे निकलना चाहते हैं। ओके, जो कि 1 जनवरी 2020 को इक्वाडोर ओपेक को छोड़ देगा। अगर हम इसके ऑब्जेक्टिव की बात करें तो ऑब्जेक्टिव इसका आपको जैसे देखने को मिलेगा, ये पेट्रोलियम की जो पॉलिसीज़ होती हैं, ठीक है, किस तरीके से पेट्रोल के प्राइस में इंक्रीमेंट करना है, डिक्रीमेंट करना है, वो भी इसके ऑब्जेक्टिव में आपको देखने को मिलेगा। सेकेंड ऑब्जेक्टिव की बात करें तो इसमें क्या है, जैसे एक फेयर और स्टेबल प्राइस पेट्रोल पर रहेंगे। जो पेट्रोल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज़ होती हैं वो एक एक फेयर और आपका स्टेबल प्राइस ही लेके चलेंगी, जिससे कि ना तो ऐसा हो कि प्राइस काफ़ी लो है तो जो ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज़ हैं उनको बेनिफिट ना हो, और अगर ऐसा भी नहीं करेंगे जिससे कि प्राइस काफ़ी ज़्यादा हो तो उसका जो प्रोडक्शन है या फिर एक्सपोर्ट है वो काफ़ी कम हो जाए, ठीक है, तो ये इसके एक ऑब्जेक्टिव का पार्ट है। और हम नेक्स्ट अगर ऑब्जेक्ट की बात करें तो इनका इफ़िशियंट इकोनॉमिक एंड रेगुलर सप्लाई ऑफ पेट्रोलियम टू कंज्यूमिंग नेशन। ऐसा भी नहीं है कि जैसे अगर कोई कंट्रीज़ है उसको हम पेट्रोल की सप्लाई नहीं करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे आपके लिए इफ़िशियंट इकोनॉमिक और रेगुलर सप्लाई की जाएगी आपके लिए पेट्रोल की है, ठीक है, जो कंज्यूमिंग नेशन है जो परचेज करते हैं, इंपोर्ट करते हैं इन लोगों से ओपेक कंट्रीज से, उनके लिए ये टाइम टू टाइम सप्लाई कर दी जाएगी। ओके, इसका जो टोटल मेन ऑब्जेक्टिव रहता है, जैसे ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज़ होती हैं तो उनके लिए भी वो बेनिफिशियल रहे, जैसे कि अगर आप कोई भी चीज़ परचेज करते हैं या फिर आप उसी चीज़ को इम्पोर्ट या एक्सपोर्ट करते हैं तो आप भी चाहते हैं ना उसमें आपका भी कुछ बेनिफिट हो, ठीक है, तो वही चीज़ यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी कि जो ओपेक को चलाने के लिए या फिर जो ओपेक में जो कंट्रीज़ पार्टिसिपेट करती हैं उनके बेनिफिशियल के लिए भी ये यहाँ पे ध्यान रखा जाता है कि उनको भी इस चीज़ से बेनिफिट रहे, ठीक है, क्योंकि जब तक आपको किसी चीज़ में बेनिफिट नहीं मिलेगा तब तक आप भी उस चीज़ से वर्क नहीं करना चाहेंगे, ठीक है।
अगर हम सेक्रेटरी जनरल की बात करें तो आपको यहाँ पे मोहम्मद सनूशी वर्किंदो आपको यहाँ के अभी प्रेजेंट सेक्रेटरी जनरल देखने को मिलेंगे, ठीक है, जो कि आपका 1 अगस्त 2016 में इलेक्टेड हुए थे, और जिनका अगर हम टाइम पीरियड की बात करें तो ये आपका 3 ईयर के लिए इलेक्टेड किए जाते हैं। ओके, 3 ईयर बाद अगर इनका फर्दर जो कार्यकाल है उसको बढ़ाया जाएगा तो उसमें क्या होता है, वोटिंग कराई जाती है, जितनी भी जो पार्टिसिपेशन कंट्रीज होती हैं उनका वोटिंग कराई जाती है कि वोट दिया जाता है कि इनका जो कार्यकाल है उसको आगे बढ़ाना है या नहीं बढ़ाना है। जैसे जो टाइम पीरियड रहता है वो मैक्स 3 ईयर होता है, उसके बाद अगर दोबारा अगर और किसी को आपको इनकी जगह रिप्लेस करना है इनको, तो आप उसके लिए वोट कर सकते हैं, अदरवाइज आप अगर इनको ही कंटिन्यू करना चाहते हैं तो इनके कार्यकाल को आगे बढ़ा दिया जाएगा अगर आप इस पर वोट देते हैं तो। और इसकी अगर मीटिंग की बात करें, जैसे कि ऑर्गेनाइजेशन है तो उसके लिए आपको मीटिंग तो हेल्ड करनी पड़ेगी, ठीक है, डिस्कशन करने के लिए, तो वो आपको जो मीटिंग रहेंगी वो आपको साल में 2 बार देखने को मिलेंगी, ठीक है। अगर कोई इमरजेंसी केस पर पछता है या फिर और भी कोई ऐसी सिचुएशन बनती है जिससे कि अगर मीटिंग की रिक्वायरमेंट है तो वहाँ पे भी आप मीटिंग अटेंड कर सकते हैं। और अगर हम डिफेक्टो लीडर की बात करें तो इसमें आपके लिए डिफेक्टो लीडर रहेगा वो आपको सऊदी अरेबिया देखने को मिलेगा, जो कि अब अगर हम सऊदी अरेबिया की बात करें तो लार्जेस्ट एंड मोस्ट प्रॉफिटेबल ऑयल एक्सपोर्टर है, ठीक है, जो कि सबसे बड़ा और मोस्ट प्रॉफिटेबल ऑयल एक्सपोर्टर है। अगर हम इसमें पार्टिसिपेंट्स की बात करें तो जो पार्टिसिपेंट जो सेमिनार होता है ओपेक का, उसमें कौन कौन पार्टिसिपेट करता है, तो उसमें जो पार्टिसिपेशन आपको देखने को मिलेंगे जो मिनिस्ट्री होती है ओपेक के मेंबर कंट्रीज़ की, ठीक है, वो आपको पार्टिसिपेट करती हुई दिखेगी। ऑयल प्रोड्यूसिंग या फिर ऑयल कंज्यूमिंग नेशन होते हैं वो आपको पार्टिसिपेट करते हुए देखेंगे, या फिर जो इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन होती है उसके हेड्स मिलेंगे आपको, और चीफ एग्जीक्यूटिव नेशन एंड इंटरनेशनल ऑयल कंपनीज के जो चीफ एग्जीक्यूटिव होते हैं वो आपको इसमें देखने को मिलेंगे। अगर हम बात करें तो इंडस्ट्रियल जो लीडर होते हैं, एकेडमिक्स एनर्जी एक्सपर्ट होते हैं, या फिर स्पेशलिस्ट मीडिया होती है, वो भी इसमें आपको पार्टिसिपेट करती हुई दिखेगी, जो इसके ओपेक के सेमिनार होते हैं। ओके, तो जो ओपेक के सेमिनार हैं वो आपको इम्पोर्टेंट चीज़ रहती है, वो आपको याद करके चलनी पड़ेगी। ओपेक के अगर फर्स्ट सेमिनार की बात करें तो ये आपका एक जैसे बोलते हैं ना इनफॉर्मल सेमिनार था, ठीक है, तो वो आपका वियना में देखने को मिलेगा, जो कि आपका 30 जून से 5 जुलाई 1969 के बीच में कंडक्ट किया गया था। अगर हम इसके थीम की बात करें तो थीम आपको देखने को मिलेगा इंटरनेशनल ऑयल एंड एनर्जी पॉलिसीज ऑफ प्रोड्यूसिंग एंड कंज्यूमिंग कंट्रीज़। अगर हम फर्स्ट इंटरनेशनल सेमिनार की बात करें ओपेक के, तो वो आपको 2001 में कंडक्ट कराया गया था, जिसके थीम ओपेक एंड ग्लोबल एनर्जी बैलेंस टूवर्ड अ सस्टेनेबल एनर्जी फ्यूचर। ओके, तो ये आपका थीम हो जाता फर्स्ट इंटरनेशनल सेमिनार का। अगर हम लास्ट सेमिनार की बात करें जो कि 2018 में कंडक्ट कराया गया था, उसके थीम की बात करें तो उसका थीम था पेट्रोलियम कॉरपोरेशन फॉर सस्टेनेबल फ्यूचर। तो ये चीज़ आपको याद करके चलनी पड़ेगी, ठीक है, क्योंकि एग्ज़ाम में आपसे डायरेक्टली पूछ लिया जा सकता है कि जो 7th इंटरनेशनल ओपेक का सेमिनार था उसका थीम क्या था। ओके, अगर हम इसकी समिट्स की बात करें तो जो आपको फर्स्ट समिट है वो आपको अल्जियर्स में देखने को मिलेगी, ठीक है, जो कि आपकी 1975 में कंडक्ट कराई गई थी, जैसे कि यहाँ पर मैंने आपको शॉर्ट में मैंसन भी कर दिया है। तो दोस्तों ये ओपेक के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी मैंने आपको प्रोवाइड कराई। अगर आपको थोड़ी बहुत भी इंफॉर्मेशन अच्छी लगती है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, साथ ही साथ अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे आपके लिए डिफेंस से रिलेटेड ही चीज़ें प्रोवाइड कराई जाती हैं, ओके, जो कि आपके एग्ज़ाम SSB में आपको हेल्प करेगी। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। जय हिंद।